नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कम्पिटेटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। कुछ क्वेश्चन हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके हर एक एग्रीकल्चर कम्पिटेटिव एग्जाम में, तो उनका हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन डिफिशेंसी सिम्टम इन प्लांट फर्स्ट अपीयर ऑन, अर्थात पौधे में नाइट्रोजन की डिफिशेंसी के लक्षण सबसे पहले कहाँ प्रदर्शित होते हैं। उसमें आपका है मिडल लीफ, अपर लीफ, लोअर लीफ और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर होगा वो लोअर लीफ है, अर्थात लोअर लीफ पे, अर्थात ओल्डर लीफ पे सबसे पहले नाइट्रोजन डिफिशेंसी सिम्टम अपीयर होते हैं। जैसे कि मैंने पहले एक ट्रिक बताया था, नाना पाटेकर मांगी मोहब्बत ओल्ड लेडी से, नाना पाटेकर NPK मांगे मोहब्बत MG और मोहब्बत MO मॉलिब्डेनम ओल्ड लेडी से, अर्थात ओल्ड लीफ पे इनके जो सिम्टम अपीयर होते हैं वो ओल्ड लीफ पे अपीयर होते हैं, तो इसका सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर स्टडी ऑफ फार्मिंग सिस्टम द बेस्ट PRA एक्सरसाइज इज। इसमें आपका टाइमलाइन, कैपिटल डायग्राम, रिसोर्स मैपिंग, ट्रांसजेक्ट वाल, ये चार ऑप्शन दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रिसोर्स मैपिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लाइंड हुइंग इज रिकमेंडेड इन, अर्थात ब्लाइंड अर्थात अंधी, अंधी गुड़ाई किसमें की जाती है। ये चार ऑप्शन हैं आपके, ज्वार हुआ, बाजरा हुआ, मेज हुआ, शुगर हुआ, शुगर केन हुआ। तो अंधी गुड़ाई जो की जाती है वो आपके शुगर केन में होती है, शुगर केन में आपके अंधी गुड़ाई होती है, सही ऑप्शन शुगर केन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन इंडिया, अर्थात CDP फर्स्ट टाइम इंडिया में कब अडॉप्ट हुआ था। तो ये आपके चार ऑप्शन हैं, 1947, 1949, 1953 और 1952। तो CDP जो था 1952 में आपका आया था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में, और एक NSE नेशनल एक्सटेंशन स्कीम तो वो आपका 1953 में आया था, और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वो आपको 1952 में आया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन मैनेजर, अर्थात इसमें से कौन सा एक प्रोडक्शन मैनेजर का कार्य है, नहीं है, नॉट मतलब नहीं है, अर्थात प्लानिंग, मॉनिटरिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मार्केटिंग। तो प्रोडक्शन मैनेजर का इसमें से कौन सा कार्य नहीं होगा, प्लानिंग होता है उसका कार्य, ऑर्गेनाइजेशन उसका कार्य होता है, मॉनिटर, लेकिन मार्केटिंग जो कार्य होगा वो प्रोडक्शन मैनेजर का मार्केटिंग वर्क नहीं होगा। इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो मार्केटिंग होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोइंग टोरिया इन स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ मेज इज कॉल्ड, अर्थात आपकी अगर मेज की क्रॉप फील्ड में स्टैंड है, खड़ी है, और उसमें आप तोरिया का कल्टीवेशन करते हैं, तोरिया की स्वइंग कर दे रहे हैं खड़ी मेज के क्रॉप में, तो उसको क्या बोला जाएगा। उसमें चार ऑप्शन दिए गए, मिक्स क्रॉपिंग, एले क्रॉपिंग, मिक्स इंटर क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रिले क्रॉपिंग, अर्थात सोइंग टोरिया इन स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ मेज इज कॉल्ड रिले क्रॉपिंग या नॉन ओवरलैपिंग क्रॉपिंग, सिक्वेंशियल क्रॉपिंग। तो ये आपका रिले क्रॉपिंग हो गया। उसके बाद द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरीगेशन इन व्हीट, तो ये पिछले वीडियो में भी आपको बताया गया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। CRI क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज 20 से 22 दिन, जो 22 दिन बाद जो व्हीट की फर्स्ट इरीगेशन किया जाता है, क्राउन रूट इनिशिएशन सबसे मोस्ट क्रिटिकल स्टेज होता है व्हीट के इरीगेशन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच क्रॉप द यूज ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी इन द मोस्ट यूजफुल, अर्थात इनमें से कौन सी क्रॉप में ब्लू ग्रीन एल्गी काफ़ी यूजफुल होती है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी के लिए आपका चार ऑप्शन दिया गया है, मेज, शुगर केन, पोटैटो, राइस। तो आपका जो राइस होता है उसमें बीजिए, अर्थात ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है उसमें आप अगर इसका यूज करते हैं तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है ब्लू ग्रीन एल्गी, तो वो आपके राइस फील्ड में दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सोर्स ऑफ इंटरव्यू इज द बेस्ट इन रूरल सोसाइटी, अर्थात इनमें से कौन सा इंटरव्यू का जो प्रैक्टिस है वो बेस्ट है रूरल सोसाइटी, अर्थात रूरल सोसाइटी के लिए। तो रूरल सोसाइटी के लिए आपका की इन्फॉर्मेशन ग्रुप, फोकस्ड ग्रुप और नॉन ऑफ द, तो इसके लिए सबसे सही आंसर जो होगा वो फोकस्ड ग्रुप, अर्थात आपके रूरल एरिया के लिए आप जो इंटरव्यू का बेस्ट जो सोर्स है वो है आपका फोकस ग्रुप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिजीज ऑफ एप्पल, अर्थात इनमें से कौन सा एक डिजीज है जो एप्पल का डिजीज नहीं है, जैसे डाउनी मिल्ड्यू हो गया, पाउल्ड्री मिल्ड्यू हो गया,
तो ये आपके डाउनी मिल्ड्यू, पावली मिल्ड्यू तो आपके पी में भी लगते हैं, एप्पल पियर में भी लगते हैं। तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा नहीं है नाट, इसमें से कौन सा नाट डिजीज आप, तो इसमें से जो बंची टॉप आप बनाना है ये सही ऑप्शन इसमें है। ये अब ये कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन सही बंची टॉप आप जो होता है बंची टॉप वो बनाना डिजीज है, तो बनाना में लगता है बंची टॉप बनाना, तो बंची टॉप बनाना वो क्या नाम का आपका बनाना में लगेगा। इसमें सही ऑप्शन जो होगा बंची टॉप, हालांकि इसमें वो ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो सकता है। ये भी बर्ड आई डिजीज, ये टोमेटो का डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे उसका है बर्ड आई डिजीज, मेन कॉमन डिजीज जो होता है वो टोमेटो का होता है, लेकिन इसमें अब एप्पल में जो पूछा गया है उसमें बंची टॉप जो है बनाना डिजीज है। उसके बाद बक आई डॉट, तो बक आई डॉट क्या है, बर्ड आई डिजीज, तो इसका मतलब ये सही ऑप्शन है। तो बक आई डॉट डिजीज होती है वो टोमेटो फ्रूट में पाई जाती है, किस से रिलेटेड है। इसमें चार ऑप्शन दिया गया, स्वीट पोटैटो, पॉड ऑफ गार्डन पी, वाटर चेस्टनट और टोमेटो फ्रूट। तो बक आई डॉट जो होता है वो आपका टोमेटो फ्रूट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर स्टोरेज फंजाई इन दैट इफेक्ट द फूड ग्रेन्स, अर्थात इनमें से कौन सा मेजर स्टोरेज क्या नाम का आपका फंजीसाइड है। आपका चार ऑप्शन दिया गया है, म्यूकर हुआ, कोनिडिया हुआ, राइजोपस हुआ, एस्परजिलस। तो एस्परजिलस होता है इसको फूड स्टोरेज, अर्थात मेजर स्टोरेज क्या नाम का आपका फंजाई है जो है एस्परजिलस है। तो दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारा जो चैनल है स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कंप्लीट हो गया, अगर आपने अभी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है लूज स्मट इंच कंट्रोल, अर्थात तो लूज स्मट किसके द्वारा कंट्रोल हो जाता है। लूज स्मट एक काफ़ी फेमस डिजीज है आपका वीट का, वीट में लूज स्मट डिजीज होता है जो इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज है। तो अगर ये इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज है तो इसका मतलब हो गया कि इसके लिए क्या सीड ट्रीटमेंट ही करेंगे जब ये सीड बॉर्न डिजीज है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए, केमिकल स्प्रे, सॉयल ट्रीटमेंट, नॉन ऑफ डिजीज एंड सीड ट्रीटमेंट। तो इसमें जो होगा लूज स्मट के लिए आप सीड ट्रीटमेंट प्रोसेस अपनाएंगे, क्योंकि ये सीड ट्रीटमेंट सीड बॉर्न डिजीज है, इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज। काफ़ी बार ये BHU के कम्पिटेटिव एग्जाम में और कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो ये इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज है लूज स्मट, और ये वीट में होता है, फेमस वीट में काफ़ी फेमस है, और ये सीड ट्रीटमेंट इसको करके आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है येलो लीफ मोजेक ऑफ भिंडी क्रॉप स्प्रेड बाई, तो एक तो ये हो गया येलो लीफ मोजेक जो भिंडी में होता है वो क्या नाम का आपका वायरल डिजीज है, वायरस के कारण होता है, और वो किसके द्वारा स्प्रेड होता है। तो इसमें चार दिए गए ऑप्शन, जयसीड बोरर, जयसीड एंड बोरर बोथ और नॉन ऑफ दीज। तो इसमें से कोई ऑप्शन नॉन ऑफ दीज होगा, क्योंकि जो येलो लीफ मोजेक भिंडी का होता है वो वाइट फ्लाई के द्वारा होता है। तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं सही है, नॉन ऑफ दीज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है करनाल बंट इज ए डिजीज ऑफ विच क्रॉप, अर्थात करनाल बंट इसमें से किसकी डिजीज है। आपका चार ऑप्शन है, सोरघम है, ओट है, मस्टर्ड है, वीट है। तो करनाल बंट जो है, करनाल बंट वीट का डिजीज है, फंगल डिजीज है। तो करनाल बंट जो होता है वीट में लगता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द फुल फार्म ऑफ ATMA आथार, इसको शॉर्ट नेम में बोला जाता है आत्मा। ये एक प्रोजेक्ट है जो ऑल यू इंडिया में चल रहा है आत्मा, इसका पूरा नाम क्या है। इसमें ATM और BTM के लिए जॉब भी होते हैं ऑल इंडिया में, ATM और BTM दो तरह के पोस्टें होती हैं जिसके लिए हर एक BCAG होना चाहिए ATM और BTM के लिए। तो ये का नाम का इसका पूरा नाम क्या होगा, तो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। आत्मा का जो पूरा नाम है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो बी ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथड ऑफ मास कम्युनिकेशन इज, अर्थात इसमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो मास कम्युनिकेशन अर्थात बहुत बृहद रूप से कम्युनिकेशन का मेथड है। तो इसमें होगा आपका डिमोन्स्ट्रेशन अर्थात प्रदर्शन, फार्म विजिट, ग्रुप डिस्कशन और न्यूज़पेपर। चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो डिमोन्स्ट्रेशन अगर अर्थात प्रदर्शन कर रहे हैं तो ये भी काफ़ी आपका लोकल काफ़ी कम क्षेत्र में होगा, ये आपका मास कम्युनिकेशन के ग्रुप में नहीं आएगा मेथड के रूप में। फार्म विजिट कर रहे हैं तो वो भी मास में नहीं आता। ग्रुप डिस्कशन ये भी मास में नहीं आता, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में आपका 5 से 20 ही रहेंगे, 5 से 20 फार्मर रहेंगे ग्रुप डिस्कशन में।
और न्यूज़पेपर जो होता है ऑल इंडिया लेवल, ऑल मतलब स्टेट लेवल, काफ़ी ये बड़ा है, इसीलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा मास कम्युनिकेशन का वो न्यूज़पेपर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, येलो वेन मोजेक ओकरा इज ट्रांसमिटेड बाई, फिर दोबारा पूछ लिया गया है वो किसके द्वारा होता है येलो वेन मोजेक ऑफ ओकरा वायरल डिजीज है, विंड एफिड, वाइट फ्लाई, बीटल्स। तो येलो वेन मोजेक जो ओकरा का है वो काफ़ी फेमस ये डिजीज़ है और काफ़ी सीवियर रूप में लगती है, जब ये लगती है तो पूरी फसल नष्ट हो जाती है जी। तो ये वाइट फ्लाई के द्वारा होता है ट्रांसमिट, इसीलिए आप इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करें, इमिडाक्लोरपीड हुआ इसका छिड़काव करके आप वाइट फ्लाई कंट्रोल करें जिससे आपकी फसल नष्ट ना हो, इसके कंट्रोल के लिए और भी दवाएं हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाउल्ड्री मिल्ड्यू डिजीज इज कॉज्ड बाई, अर्थात पाउल्ड्री मिल्ड्यू जो डिजीज होती है वो किसके द्वारा होती है, आपका बैक्टीरिया, वायरस और न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस या फंगस। तो पाउल्ड्री मिल्ड्यू हुआ, डाउनी मिल्ड्यू है, ये आपके फंगल डिजीज हैं, तो ये किसकी डिफिशेंसी से होते हैं, ये किसके कारण होते हैं, वो हैं फंगस के कारण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाउल्ड्री मिल्ड्यू रेसिस्टेंट ऑफ पी, अर्थात इसमें से कौन सी ऐसी पाउल्ड्री मिल्ड्यू रेसिस्टेंट वैरायटी है पी की। चार ऑप्शन दिया गया है, VL है, R163 है, P3 है, रचना है। तो रचना जो वैरायटी है वो पाउल्ड्री मिल्ड्यू रेसिस्टेंट वैरायटी है पी की, और रचना काफ़ी फेमस वैरायटी है, रचना भी कभी बार पूछी जाती है कि रचना किसकी वैरायटी है, तो रचना पी की वैरायटी है और काफ़ी फेमस वैरायटी है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिनका हमने डिस्कशन किया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक कम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर ये हमारा चैनल पसंद आया हो तो हमारा जो चैनल है स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कम्पिटेटिव एग्जाम, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।